स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। पेरिस ओलंपिक 2024 चर्चा में बना हुआ है। शुक्रवार रात इस ग्रैंड इवेंट की शुरुआत हो रही है, जहां देश विदेश के कई बड़े नाम नजर आएंगे। इसमें तेलुगु इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी का नाम भी शामिल है। एक्टर पूरे परिवार के साथ पेरिस ओलंपिक्स में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। इवेंट में शामिल होने से पहले उन्होंने परिवार के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है। वही बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, तो दीपिका पादुकोण की एक स्माइल ही फैंस के दिलों पर वार करने के लिए काफी है। और अब तो सिंगम अगेन एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी सेल्फी की एक पूरी फोटो सीरीज शेयर कर दी है। जल्द ही मम्मी बनने वाली दीपिका पादुकोण की ये फोटो वैसे तो बेहद प्यारी है। दीपिका पादुकोण एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक बिजनेस वूमेन भी हैं और उनका खुद का एक स्किन केयर ब्रांड भी है, जिसका कुछ दिनों पहले वो प्रमोशन करती हुई दिखाई दी। इसी ब्रांड का प्रमोशन करते हुए दीपिका ने ढेरों सेल्फी शेयर की है। पहली तस्वीर में वो रेड आउटफिट में काफी हॉट लग रही है, तो वही उनकी दूसरी तस्वीर सन किस्ड करते हुए बिना मेकअप के है। वही अन्य तस्वीर में उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा हुआ है और सादगी भरी सेल्फी ले रही हैं। बिखरे हुए बालों में भी उनकी खूबसूरती और ग्लो देखते ही बन रहा है। वहीं बात करते हैं बादशाह के माफीनामे के बाद हनी सिंह ने उनके हालिया इंटरव्यू से सवाल किया गया कि वो उनसे दोस्ती करने के मूड में हैं। हनी सिंह ने जवाब दिया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। क्या मैंने कभी किसी के बारे में कुछ कहा है? लोग कह रहे हैं कि मनमुटाव हुआ। मुझे समझ ही नहीं आता कि लोग हनी सिंह और बादशाह की लड़ाई के बारे में क्यों बात करते हैं। एक व्यक्ति इतने सालों तक मेरे बारे में बात करता रहा और फिर एक दिन उसने माफी मांग ली, मैं उसके बारे में क्या ही कहूं। हनी सिंह ने आगे कहा, मैं उसे अपना दोस्त भी नहीं मानता, वो कभी मेरा दोस्त नहीं था। अगर वो होता तो कुछ अलग ही बात होती। मैंने वो वीडियो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना कि उसने हमारे बीच गलतफहमियों का जिक्र किया। मुझे लेकर उसके दिमाग में अपनी अलग अलग कहानियां चल रही हैं। कई सालों बाद उसे एहसास हुआ, जो अच्छी बात है। हनी सिंह ने आगे कहा, भगवान शिव उस पर दया करें। मुझे उम्मीद है कि वो और भी सफल होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये थी बॉलीवुड दिनभर से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना, अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते, फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका, फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेज, प्लीज डाउनलोड फिल्मी जॉब्स ऐप।